शहीदों की तीन वीरांगनाओं के धरने को जबरन खत्म करने के बाद अब पुलिस ने भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर पुलिस पर मीणा ने हाथापाई का आरोप लगाया है। उधर बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान किरोड़ीलाल मीणा की तबीयत खराब हो गई, उनके शरीर पर चोट लगी, इसलिए उन्हें उपचार के लिए गोविंदगढ़ CSC ले जाया गया, फिर वहां से SMS अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। किरोड़ीलाल मीणा दोपहर 12 बजे सामोद हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसके बाद वह वीरांगना मंजू जाट के परिवार से मिलने उनके घर जाने वाले थे। इसी दौरान पुलिस ने सामोद थाने के पास किरोड़ीलाल मीणा को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और किरोड़ीलाल मीणा के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 1.5 घंटे तक किरोड़ीलाल मीणा को मुख्य सड़क पर पुलिस ने रोक कर रखा। करीब 1:30 पर सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे। किरोड़ीलाल को वापस लौट जाने के लिए समझाया। किरोड़ीलाल मीणा जब मौके से नहीं हटे तो पुलिस ने मीणा को जबरन मौके से हटाया। इस घटनाक्रम पर किरोड़ीलाल ने कहा, पुलिस ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वीरांगनाओं, युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों के आशीर्वादों से मैं बच गया, मुझे चोट आई है। किरोड़ीलाल बोले, पुलिस ने मारपीट की। किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस पर बदसलूकी का करने का आरोप भी लगाया। किरोड़ी मीणा ने ट्वीट करके कहा कि पुलिस का एक सांसद के साथ में यह कैसा व्यवहार है। हिरासत में लेने के लिए मेरे साथ धक्का मुक्की व हाथापाई की गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। सरकार कान खोलकर सुन ले, इस तानाशाही के बाद मैं झुकने और रुकने वाला नहीं हूँ। शहीदों की वीरांगनाओं को हर हाल में न्याय दिलवा कर रहूंगा।